YouTube guys, you're watching TECHSEET. My name is Alok. So Vivo का एक नया फोन लॉन्च होने वाला है जो कि 2 जुलाई को लॉन्च होगा. अगर आपने प्लान बना लिया कोई नया फोन लेने के लिए तो आप अभी रुक जाइए. 18,000 से 20,000 रुपए की रेंज में फोन लॉन्च होगा. और अगर 18 से 20 की रेंज की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इस फोन के अंदर बहुत ही शानदार स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलती है. काफी पावरफुल फोन ये होने वाला है. सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे इसी फोन के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे इस फोन से जुड़ी टॉप 10 चीजों के बारे में. साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा इस फोन की लुक. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रेड बटन को अभी प्रेस कर दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे मेन चीज इस फोन की जो मुझे पसंद आती है वो इसकी बैटरी. गाइस यहां पे बैटरी आपको मिलती है 4500 mAh की जो कि 22.5 वॉट के चार्जर के साथ आपको मिलेगी. मतलब अगर आप चार्जिंग स्पीड की बात करते हो तो फोन के अंदर आपको जो चार्जिंग मिलेगी बहुत ज्यादा फास्ट मिलेगी. साथ ही साथ आपको एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलेगी जो कि आपका एक दिन बड़े आराम से चलेगी चाहे आप गेम भी खेलते हैं उसके बावजूद भी. और अगर आप बात करते हो इस प्राइस रेंज के सेगमेंट की तो यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो मिलता है स्नैपड्रैगन 845 जो कि मिलेगा आपको लिक्विड कूलिंग के साथ. तो पहली चीज की बात करेंगे गाइस यहाँ पर अगर आप प्राइस रेंज देखते हो 18,000 से 20,000 रुपए की रेंज में तो आपको मिलता है कि स्नैपड्रैगन 845 जो कि मिलेगा आपको लिक्विड कूलिंग के साथ. अगर आप इस प्राइस रेंज की बात करते हो तो यहाँ पर ये बहुत खास चीज है क्योंकि इस प्राइस में आपको एक बहुत ही फ्लैगशिप अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर मिल रहा है. साथ ही साथ आपका फोन हीट ना हो तो इसके लिए आपको एक कूलिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है जो कि लिक्विड कूलिंग है. तो बेसिकली गाइस इस प्राइस रेंज में हमें लिक्विड कूलिंग देखने को नहीं मिलती है बट इस फोन के अंदर आपको लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगी. तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर बेसिकली दो फोन लॉन्च हुए हैं. पहला फोन लॉन्च हो चुका है जो कि 2 से 3 महीने पहले लॉन्च किया था जो कि था वीवो का iQOO. और अब जो फोन लॉन्च होने वाला है वीवो का iQOO न्यू लॉन्च होने वाला है जो कि उसका मिड रेंज का सक्सेसर माना जाएगा. तो गाइस सेकंड थिंग जो यहाँ पर निकल के आती है वो होता है इसका 4D गेम शॉक 2.0. बेसिकली गाइस ये आपके फोन के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जो आपके फोन को खास तरह से वाइब्रेट करती है जब आप गेम खेल रहे होते हो. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटी छोटी सी आपको दो बटन या फिर कह सकते हो आप दो सेंसर्स मिलते हैं. जैसे आप इन्हें एक साथ प्रेस करते हो ऑटोमेटिकली आपका फोन गेमिंग मोड पर चला जाता है. और साथ ही साथ ये एडवांस कंट्रोल का भी काम करते हैं जब आप कोई गेम प्ले करते हो. और साथ ही साथ आपका फोन एक खास तरह से वाइब्रेट करता है जिससे क्या होता है एक हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है यानी कि आपका फोन आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस करवाने वाला है. सो गाइस अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में. यहाँ पर आता है सुपर एमोलेड. सो बेसिकली जो डिस्प्ले आपको मिलेगी वो मिलेगी 6.38 इंचेस की वो भी सुपर एमोलेड. तो अगर आप डिस्प्ले कट की बात करते हैं यहाँ पर एक यू टाइप कट आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हो एक नॉच वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी. साथ ही साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी बेस्ट मिलेगी जो कि सुपर एमोलेड है. सो बेसिकली गाइस वीवो की जो iQOO सीरीज है वो एक गेमिंग एंथुसियास्ट सीरीज है. मतलब ये जो बेसिकली जो पूरी सीरीज है वो गेम को लेकर डेडिकेटेड है. तो आपको अगर आप देखा जाए तो हाई एंड स्पेक्स देखने को मिलेंगे साथ ही साथ आप गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इन फोनों के अंदर इस सीरीज के अंदर काफी बेस्ट मिलेगा. सो मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें ये लगी कि वीवो के अंदर आप बहुत ही आप कह सकते हो कि वैल्यू फॉर मनी चीज आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले कुछ दिनों में. सो जहां तक ये फोन लॉन्च होगा ऑनलाइन और ये सेल भी होगा ऑनलाइन के थ्रू ही. तो मैं आपको बता दूंगा इसकी फर्स्ट सेल कब होने वाली है. तो आप में से उनको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले. और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो. अब बात करते हैं इसके अगली चीज के बारे में. सो बेसिकली गाइस अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो है कि ट्यूजडे को लॉन्च होगा 2 जुलाई को. सो बेसिकली गाइस यहां पर सारी चीजें हम क्लियर हो जाएंगी कि फोन का प्राइस कितना होने वाला है और फोन कब लॉन्च होगा कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन. अगली चीज के बारे में बात करते हैं गाइस यहां पर आपको मिलेगी 6GB की रैम और 128GB का स्टोरेज. अगर आप स्टोरेज और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये फोन 18 से 20 की रेंज में कह सकते हो कि मुझे काफी पसंद आने वाला है. और इस प्राइस रेंज में आपको 6GB रैम और 128GB वो भी स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ बहुत ही कम कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. हाँ मार्केट में कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे Xiaomi, पोको या फिर आप कह सकते हो कि वन प्लस या फिर आप कह सकते हो कि हॉनर. तो यहाँ पर जो वीवो ने स्टार्टिंग की है वो इन्हीं को नज़र में रख के की है. तो कह सकते हो कि आप काफ़ी बेस्ट यहाँ पर स्टार्टअप है अगर वीवो का देखा जाए तो. चार्जिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, प्रोसेसर टेक्नोलॉजी काफ़ी आपको बेस्ट मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पर ओवरऑल जो आपको आउटपुट मिलने वाला है इस प्राइस सेगमेंट में तो काफ़ी ये बेस्ट देखने को मिलने वाला है. सो गाइस अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं. तो बेसिकली गाइस जो पहले एक फोन लॉन्च हुआ था वीवो का वो था वीवो iQOO. तो उसमें जो आपको चार्जिंग देखने को मिलती थी 44 वॉट की चार्जिंग थी जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट थी. इस फोन के अंदर जो चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 22.5 वॉट की. तो ये भी काफ़ी फास्ट चार्ज होगा. अप्रॉक्स आपकी 4500 mAh बैटरी को ये 50% चार्ज कर देना चाहिए मेरे हिसाब से 30 मिनट के अंदर, यानी कि आधे घंटे में आपकी आधी बैटरी चार्ज हो जानी चाहिए. सेकंड थिंग मैं आपको बता देता हूँ कि वीवो ने एक टेक्नोलॉजी और लॉन्च कर दी है वो जो कि 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग. तो आप कह सकते हो कि आपकी 4000 mAh बैटरी 15 मिनट के अंदर पूरी चार्ज हो जाएगी. तो बेसिकली टेक्नोलॉजी अभी जस्ट टेस्ट हो रही है और अभी जस्ट ये फोन के अंदर आना स्टार्ट होने वाली है. सो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा. सो अगली चीज के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम निकल कर कैमरे के बारे में. सो कैमरा स्पेक्स की बात करते हैं. अगर आप बैक कैमरे की बात करते हैं यहाँ पर मिलता है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप. सो कैमरा सेटअप यहाँ पर मिलता है 12 MP, 13 MP और 2 MP. बेसिकली जो 2 MP है वो जहाँ तक डेप्थ लेंस ही है
और यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा वो तो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। ये काफी खास चीज है कि अल्ट्रा वाइड के लिए यहाँ पर इस बार हाई रेजोल्यूशन यूज करा गया इस फोन के अंदर। और जो इसका मेन कैमरा होने वाला होता है 12 मेगापिक्सल f1.8 वो भी डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ, साथ ही साथ यहाँ पर मिलेगा पिक्सल साइज 1.4 माइक्रोमीटर। तो ये अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल कैमरा काफी डिसेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। गाइस अगर आप फ्रंट कैमरे की बात, यहाँ पर आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल f2.0 सेल्फी कैमरा जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। सो इसका जो प्राइस है एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है वो 18,990 रुपये होगा, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी पर कि ये किस ऑफर के साथ आएगा। सो बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बताई इस फोन के बारे में। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर को फॉलो कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को जाकर लाइक कर दीजिए, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।